जय हिंद। नमस्कार साथियों, आज मैं आप सभी को इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप सभी बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन 1284 पोस्टों का एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हो। जी हां दोस्तों, एक नोटिस के जरिए आप सबको बता दिया गया है कि अब सबसे पहले आप सभी का फिजिकल होगा। तो फिजिकल में कैसे क्या होने वाला है, इसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाकर आप सबको प्रोवाइड करा दी है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में हमने उसका लिंक दिया है, जाकर आप सभी उस वीडियो को देख लीजिए। आज मैं आप सबको इस वीडियो में यह बताऊंगा कि आप सभी अपना बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन का एडमिट कार्ड डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। ये मैं आपको यहां पे कंप्लीट जानकारी प्रोसेस के साथ मैं आपको बताने वाला हूं, ताकि आपको एक एक बात यहां पे समझ में आ जाए। तो वीडियो आप सभी कंप्लीट देखेंगे तभी आपको यहां पे समझ में आने वाला है। तो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन ऑल पे जरूर प्रेस कर लें। चलिए देखिए मेरे दोस्त, हम आ चुके हैं बीएसएफ की ऑफिशियल साइट पर। यहां पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा कैंडिडेट का, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे सभी यहां पर कैंडिडेट वाले ऑप्शन में क्लिक कर देते हैं तो आप सबसे सामने इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। यहां पर आपने फॉर्म को अप्लाई करते समय जिस भी ईमेल आईडी का प्रयोग किया है, यूज किया है, आप उस ईमेल आईडी को यहां पर फिल कर दीजिएगा। और आपने जो भी पासवर्ड बनाया उस पासवर्ड को यहां पर फिल कर देना है और इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। चलिए मैं आपके सामने यहां पर फिल कर देता हूं। देखिए मैंने फिल कर दिया। अब मैं यहां पर क्लिक करूंगा आई एम नॉट ए रोबोट, ठीक है। आप इस जैसे क्लिक कर देंगे फिर आपको यहां पर एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा होगा लॉग इन का, तो आपको लॉग इन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। चलिए मैं यहां पर लॉग इन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूं। और जैसे आप सभी लॉग इन वाले ऑप्शन क्लिक करेंगे तो आप सभी के सामने इस टाइप का कुछ आ जाएगा। यहां पर आपको एक का निशान लग रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है। सर सभी इस पर क्लिक कर देंगे तो आप सबके सामने हट जाएगा। यहां पर देखें मेरे दोस्त, यहाँ पे सारी चीज़ें बता दी गई हैं। देखिए यहाँ पे मेरे दोस्त आपको क्या दिखाई पड़ रहा है। देखिए यहाँ पे जो बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन की जो भर्ती थी वो 21/3/2023, साफ साफ बताया गया 21/3/2023 को हमने यहाँ पे फॉर्म को फिलअप किया था। साफ साफ यहाँ बोला गया है कांस्टेबल ट्रेड्समैन एग्जाम 2023 इन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है। इसी किसी तरह मैं इधर स्क्रॉल करते हुए चलूंगा तो यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखाई पड़ रहा होगा, ध्यान से देखिएगा। ये देखिए कांस्टेबल स्वीपर में फॉर्म को अप्लाई किया गया था, स्वीपर में फॉर्म को अप्लाई किया गया था, ठीक है। और यहां पर अगर मैं बात करूं मेरे दोस्त, यहां पर जैसे आप सभी यहां पर देखेंगे इसी के सामने आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा एक्शन बटन। देखिए मेरे दोस्त ये देखिए स्वीपर दिखाई पड़ रहा है ना, हाँ, इसके सामने देखो क्या दिखाई पड़ रहा है, एक्शन का बटन, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप सभी यहां पर एक्शन वाले बटन क्लिक करेंगे तो आप सभी के सामने यहां पर इस टाइप का इंटरफेस आएगा। पहला है व्यू पोस्ट डिटेल और दूसरा है प्रिंट पोस्ट डिटेल, यहां बोला जा रहा है पृष्ठ पोस्ट डिटेल, ठीक है। अभी यहां पर देखिए जब आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन का, तो यहां पर देखिए थर्ड वाला ऑप्शन लिखा रहेगा प्रिंट एडमिट कार्ड, ठीक है। थर्ड ऑप्शन यहां पे आ जाएगा प्रिंट एडमिट कार्ड। और जैसे आप सभी प्रिंट एडमिट कार्ड पर क्लिक कर देंगे तो आप सभी का एडमिट कार्ड है वो आपके सामने ओपन होके आ जाएगा और आप सभी उसे आसानी से प्रिंट कर सकते हैं। इतना इजी है, आप सभी अपना कांस्टेबल ट्रेड्समैन का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। बहुत ही ईजी है, इससे आसान तरीका कोई नहीं है अपना खुद का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का। तो मैंने आपको सारी चीजें बता दी है। अब मैं आपको बता दूं आप सभी का जो एडमिट कार्ड है वो कब आएगा। दोस्तों अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन भर्ती परीक्षा 2023 की, तो आप सबके लिए बेस्ट बुक निकल के आ चुकी है जो कि चक्षु पब्लिकेशन की है। यह बुक यहां पर आपकी तैयारी को और ज़्यादा मजबूत बना सकती है, क्योंकि आप सभी को इस बुक में 2800 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न मिलने वाले हैं और आपके सिलेबस पर 100% यह बुक आधारित है। जितने भी सिलेबस आपको इस बुक में समझाए गए हैं काफ़ी सरल तरीके से आप अपनी तैयारी को और ज़्यादा मजबूत बना सकते हैं अगर आप सभी इस बुक से अपना स्टडी करते हैं। तो अगर आप सभी इस बुक को परचेस करते हैं साथ ही में आपको स्टडी गाइड मिलने वाला है जिससे आप अपनी तैयारी को और दोगुनी मजबूत बना सकते हैं। अगर आप सभी इस बुक को ऑनलाइन माध्यम से परचेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से ले सकते हैं, या सभी से ऑफलाइन माध्यम से अपने मार्केट से भी परचेस कर सकते हैं। एक नोटिस जारी किया गया था जो कि मैं आप सबको इस नोटिस दिखाने वाला हूँ। ये देख सकते हो यहाँ पे एक नोटिस है जो कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे वायरल हो रहा है। और ये नोटिस जो है वो बीएसएफ की ऑफिशियली वेबसाइट से ही डाउनलोड हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर साफ साफ बता दिया गया है सबसे पहले आपका फिजिकल होगा, और जो कि फिजिकल ही होगा, आपका ट्रेड टेस्ट डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगा, केवल आपका फिजिकल होगा, यानी रनिंग हाइट चेस्ट वेट। आप चाहे मेल हो या फीमेल हो, बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन की भर्ती में अगर आपने अप्लाई किया है तो यहां पर आपका सबसे पहले फिजिकल ही होने वाला, ठीक है। सेकंड स्टेप की बात करें यहां पर आपका रिटर्न एग्जाम होगा, और थर्ड में आप सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ट्रेड टेस्ट और मेडिकल आप सभी का थर्ड में होने वाला है। यहां पर अगर हम आपके बात करें एग्जाम डेट की, सॉरी दोस्तों यहां पे बात करें फिजिकल डेट की, तो यहां पर देखें द टेंटेटिव शेड्यूल फॉर कंडक्ट ऑफ फर्स्ट पेज ऑफ एग्जामिनेशन PST PET, ठीक है। यहां बोला गया है आपका जो PST PET है वो मई के थर्ड वीक, यानी मई के 25 तारीख, जो मंथ चल रहा है इसी में 25 तारीख से पहले पहले ही आप सभी का जो फिजिकल है वो स्टार्ट हो जाएगा। और साफ साफ ये बोला गया है ऑनलाइन एडमिट कार्ड भी इशूड, ठीक है, बोला गया है दो, ठीक है, यहां पे सेकंड वीक, मई के सेकंड वीक में आप सभी का एडमिट कार्ड भी आ जाएगा। यहां पे 15 तारीख से पहले पहले, जो मंथ चल रहा है इसी महीने की अगर मैं बात करूं तो इसी महीने के 15 तारीख से पहले पहले आप सभी का जो एडमिट
कार्ड है देखने को मिल जाएगा। आप सभी जैसे मैंने आपको इस वीडियो में बताया डाउनलोड करने का तरीका, वैसे ही आप सभी इस वीडियो को देखकर आसानी से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना। और एडमिट कार्ड डाउनलोड आपका होगा 15 तारीख से पहले पहले, यानी अगर बात करें तो 10 तारीख से लेकर 15 तारीख के बीच में आप सभी का एडमिट कार्ड आ जाएगा। लेकिन एग्जैक्ट डेट अभी हमको नहीं पता है कि एक्चुअल में डेट है क्या, कंफर्म डेट नहीं पता है, लेकिन यह है मई के सेकंड वीक में आप सभी का एडमिट कार्ड आ जाएगा और मई के थर्ड वीक में आप सभी का फिजिकल भी शुरू हो जाएगा। अगर हम बात करें आप सभी का, तो यहां पे 12 और 13 तारीख आप सबके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इन्हीं दो तारीख के बीच में आप सभी का एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन 1284 पोस्टों पर। अगर आप फिजिकल की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो फिजिकल तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आप सभी का पहले फिजिकल ही होने वाला है, जो कि 5 किलोमीटर आपकी रनिंग होगी और हाइट आप सभी की 165 मांगा गया है। तो अगर आपने इसमें अप्लाई किया है तो आप सभी जाइएगा फिजिकल देने, आसानी से सभी इस फिजिकल को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं आप सबके लिए जब भी इसका फिजिकल शुरू होगा तो फिजिकल सेंटर से लाइव जानकारी मैं आप सबको दूंगा, कितनी का बैच बनाया जा रहा है, कितने बच्चे रनिंग कर रहे हैं, आपका जो रनिंग है वो रोड पर हो रहा है या ग्राउंड में हो रहा है, सारी जानकारी मैं आपको आगे आने वाले वीडियो में समझा दूंगा। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।